पिछले महीने में एक सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो कैनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2 करोड़ 60 लाख के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है, उसमें आपको 15% कमीशन मिला है और CBI के अधिकारी बनकर, ED के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बांद्रा जो बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर, इनको वीडियो कॉल पर लिया गया। वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बन के वर्दी पहनकर पुलिस की, और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हज़ार रुपये की इसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस पर NCERP पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी, उस कंप्लेंट के जांच के आधार पर FIR रजिस्टर्ड की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। धोखाधड़ी के बाद इसमें जिन अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो जो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है, और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला, गुजरात के। दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित हैं। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं, और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो OTP उनके पास आता है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। जिस अकाउंट में पैसा फरियादी का 31 लाख गया था उसी में 2 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस जो इंदौर के फरियादी के साथ जिस दिन धोखाधड़ी हुई डिजिटल अरेस्ट, वो कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में कहीं और भी डिजिटल अरेस्ट की घटना इनके द्वारा की गई होगी, जिससे कि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की राशि उसमें आई। फिलहाल इसमें 23 बैंक अकाउंटों को फ्रीज करा दिया गया है, 2 आरोपी हिम्मत और अतुल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूरी चेन में जितने भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इस चेन में जितने भी लोग शामिल होंगे उनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार आगे बढ़ रही है। बेसिकली ऐसे इनोसेंट मासूम भोले वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे, कुछ 1 नंबर का पैसा आने वाला है। जैसे इसी केस में ये बताया गया था 1 नंबर का पैसा आने वाला है, 1 करोड़ रुपए आएगा तो आपको 1% मिलेगा और उसको 1 लाख रुपए की राशि दी भी गई थी।